बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास मजीद थर्ड क्वेश्चन है और हमारे पास लेक्चर नंबर जो है वो 28 है, चैप्टर नंबर 4। अच्छा भाई, हमारे पास जो क्वेश्चन है जो आज हमने करना है वो हमारे पास है कि केमिकल बॉन्ड क्या है और इसकी टास्क और इसकी जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है। पहली बात, केमिकल बॉन्ड जो हमने पहले क्वेश्चन में भी पढ़ लिया था, मजीद जरा रिवाइज करते हैं उसे। हमने कहा था केमिकल बॉन्ड हमारे पास द फोर्सेस दैट होल्ड द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। हमने कहा था कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स को वो फोर्सेस अट्रैक्शन की जो उनको आपस में जकड़े रखती हैं एक मॉलिक्यूल में, उन्हें हमने नाम दिया था किसका। हमने उन्हें कहा था कि हमारे पास केमिकल बॉन्ड क्या लगते हैं, या दूसरे वर्ड में कहते हैं द फोर्सेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द एटम्स टूगेदर इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर वो फोर्सेस जो कि एटम्स को आपस में इकट्ठा रखती हैं, यानी आपस में उन्हें बांध के रखती हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, केमिकल बॉन्ड कहलाती हैं। अच्छा, अभी फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड की जब बात करते हैं या फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल की बात करते हैं कि मॉलिक्यूल कैसे बनता है या केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, तो आज ना डिस्कस करते हैं। अच्छा, पहली बात अगर हम बात करते हैं ना, जब एक एटम, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक एटम बना देता हूं, फॉर एग्जांपल कोई भी एक एटम है, ये भी एक एटम है। अब एक जो एटम होता है उसका न्यूक्लियस भी होता है और मजीद न्यूक्लियस के बीच जो होते हैं वो ऑर्बिट्स होते हैं, जहां पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कर देते हैं, वो रिवॉल्व कर देते हैं। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मैं इसका अगर बना देता हूं, ये फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये किताब है, चल फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक जैसा पिछले डायग्राम जैसी बन गई। अब ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो आइटम, हमने क्या करना, हमने फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड या फिर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल जो है कैसे बनता है। अब पहली बात, ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ये एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं इसमें भी, और इसके पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं चले फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ना दूसरे में 8 पूरे हो गए, 2, 4, 6, 8। अब इसी तरह अगर हम बात करते हैं इस डायग्राम की, तो फर्ज किया हमारे पास इसमें भी इसी तरह हम इलेक्ट्रॉन वगैरह ले लेते हैं, हमारे पास चले भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, बात करते हैं जब दो मॉलिक्यूल आपस में, बल्कि दो सॉरी एटम की बात करते हैं, जब एटम आपस में दो करीब आते हैं ना, वहां पे मुख्तलिफ फोर्सेस जो है ना वो ऊपर अप्लाई हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल जब दो एटम आपस में आते हैं, पहली बात फिजिक्स आपने पढ़ी, फिजिक्स में आपने एक लाइन पढ़ी होगी कि सेम चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और सॉरी सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये आपने पढ़ा होगा कि मुख्तलिफ चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इसी तरह जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब है ये पॉजिटिव है, न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, इस तरह इसके इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं और न्यूक्लियस पॉजिटिव है। जब एक एटम दूसरे एटम के करीब आता है तो यहां पे दो फोर्सेस यहां पे डेवलप हो रही होती हैं, एक होती है अट्रैक्शन की फोर्सेस और आपके पास दूसरी फोर्स होती है रिपल्शन की फोर्स। यानी रिपल्शन की फोर्स कब होती है, जब एक एटम जो है दूसरे के करीब आता है तो अब इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को करेंगे रिपेल, वो क्या करेंगे, वो दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी ये क्या करेगा, ये इसको दूर करेगा, ये क्या करेगा, ये इसको दूर करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर हम इसी तरह बात करते हैं फॉर एग्जांपल इसके ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, वो इसको तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा।
चले मैं रिपल्शन इस तरह करता हूँ, मैं रिपल्शन के एरो ये लगा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये इसको रिपेल कर रहा है और ये इसको रिपेल कर रहा है, लेकिन अट्रैक्शन की बात करते हैं तो ये क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है इसको अपनी तरफ, और ये भी क्या कर रहा है, ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा अब अगर आपके पास दो फोर्स यहाँ पे रिपल्शन की फोर्स भी है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को क्या कर रहे हैं, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब जब दो एटम आपस में करीब आएंगे, अगर रिपल्शन की फोर्स डोमिनेंट आ जाती है, यानी अगर दो एटम्स आ रहे हैं आपस में, उनके दरमियान रिपल्शन की फोर्स ज्यादा होगी, तो इसका मतलब है रिपल्शन ज्यादा है तो वो एटम्स आपस में करीब नहीं आएंगे बल्कि दूर हो जाएंगे, तो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा और ना ही हमारे पास केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और इसी तरह अगर उनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल दो एटम आ रहे हैं वो आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके दरमियान अट्रैक्शन की जो फोर्सेज है वो हावी हो जाती है, वो गालब आ जाती है, तो वो क्या करेगा, आपस में मिल जाएंगे और एक कंपाउंड बना देंगे। इसी तरह हम बात करते हैं कि जब हम रिपल्शन की फोर्स अगर आपके पास डोमिनेंट आ जाती है तो मॉलिक्यूल नहीं बनता, और इसी तरह अगर वहाँ पर अट्रैक्शन की फोर्स जब वो गालब आ जाती है तो क्या होता है, एक जो मॉलिक्यूल होता है वो उसकी फॉर्मेशन भी हो जाती है, साथ में केमिकल जो बॉन्ड होता है वो भी बन जाता है उनके दरमियान। तो इस तरह जो हमारे पास होती है फॉर्मेशन, और आपने ये मुझे पढ़ा भी हो केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, केमिकल बॉन्ड बनता है बाय लूजिंग बाय गेनिंग या बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इस तरह जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम जो होते हैं वो शेयर करते हैं या किसी को दे देते हैं इलेक्ट्रॉन या ले लेते हैं, इस तरह क्या होता है उनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है। अब टास्क कितनी है भाई, टास्क की बात करते हैं, देयर आर फोर टास्क ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड की जो चार टास्क होती हैं, पहली हमारे पास आयनिक बॉन्ड आ जाती है, उसके बाद हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड आ जाता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आ जाता है, और मेटालिक बॉन्ड आ जाता है। ये सारे चारों के चारों लोग क्वेश्चन है, इनको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस हमने करना ही करना है, इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 28 है, इंशाल्लाह 29 में हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो आयनिक बॉन्ड है उसको हम डिस्कस करेंगे, मजीद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट वाला जो 30 वाला लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह हम जो है कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। अभी तक आपका काम यही था केमिकल बॉन्ड क्या होता है, फॉर्मेशन कैसे होती है बॉन्ड की, और इसकी टास्क क्या है, ये हमने आज पढ़ा, इंशाल्लाह मजीद नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।